Hello everyone, in this video we are going to talk about salts. What are salts? How are they prepared? Kya hamare paas different methods hote hain unko prepare karne ke liye? What are their different types on the different bases? Ye sari cheeze humko is video mein samajhni hai. Is lecture mein hum salts ke bare mein samjhenge. To dekhiye jo salts hote hain, salts are in fact ionic compounds. Ye baat aap dhyan rakhenge. Salts are ionic compounds. And made up of two components that is cation and anion. अब यहाँ पर हमको समझना है एक example लेकर, right? तो हम एक example ले लेते हैं किसका, sodium chloride का, which is a very famous salt, sodium chloride, right? हमारे food components का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो हम cooking articles बनाते हैं घर में, उसके अंदर generally सुनते भी हैं कि blood pressure high है, low है, तो नमक को या सॉल्ट को कम कर दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, व्हाटएवर, ये बायोलॉजी का इशू है. लेकिन NaCl या सोडियम क्लोराइड की बहुत बड़े इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो इसी का एग्जांपल लेकर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं. देखिए, एक जो सॉल्ट होता है उसको आयोनिक कंपाउंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज व्हेन इट इज़ डिसोसिएटेड इनटू वाटर, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा और वो कंपोनेंट्स रहेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसमें ये वाला पार्ट बनाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये वाला पार्ट बनाएगा नेगेटिव चार्ज. तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटायन और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं एनायन, राइट? सो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट. किसी भी सॉल्ट के अंदर ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी. अब हमें ये देखना है कि हम इन सॉल्ट्स को बना कैसे सकते हैं. देखिए, सॉल्ट बनाने के डिफरेंट मेथड्स हम ऑलरेडी चैप्टर के अंदर स्टडी कर चुके हैं, लेकिन हम एक एक एग्जाम्पल सबका लेंगे जिससे हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं. वैसे पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं सबके अंदर सॉल्ट बनाने का प्रोसेस हमने देखा. तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन एग्जाम्पल ऑफ ईच मैथड बाई विच वी कैन प्रिपेयर द सॉल्ट्स. सो हैव अ लुक नाउ. द फर्स्ट मैथड दैट वी कैन यूज राइट फ्रॉम द चैप्टर्स बिगिनिंग वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल्स, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ मेटल. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हमने एक मेटल लिया, दैट इज जिंक. बहुत जनरल रिएक्शन है, अक्सर हम इसको करते हैं और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं एसिड के साथ, दैट इज H2SO4. तो यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट जिंक सल्फेट अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. सिमिलर वे में डिफरेंट एसिड्स और मेटल्स की रिएक्शन करा के जिनके अंदर हो सकती है उनसे हम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं. एक रिएक्शन ऑफ बेस एंड मेटल, सेम रिएक्शन चलेगा, प्रोडक्ट बदल जाएगा. लाइक जिंक प्लस NaOH हमने लिया, बहुत यूनिक इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा. इसमें सॉल्ट बनेगा Na2ZnO2 अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो ये बहुत ही यूनिक सॉल्ट होता है. इसका नाम क्या होता है थोड़ा सा रिकॉल करेंगे आप, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट. क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट. इसी तरह से आप बना सकते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट्स बनाए जा सकते हैं. रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ मेटल ऑक्साइड, बहुत सिंपल एग्जांपल. चलिए मान के चलिए हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका रिएक्शन कराया मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड से. कॉपर एक मेटल है और ये इसका ऑक्साइड है. तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा सॉल्ट CuCl2 अलोंग विद द वाटर, राइट? तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, राइट? तो एक एसिड और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करा के भी आप सॉल्ट बना सकते हैं, ये कॉपर क्लोराइड है. इसके अलावा बेस का नॉन मेटल ऑक्साइड से, जैसे मान के चलिए ये नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड और इसका रिएक्शन आप करा सकते हैं किसके साथ? बेस के साथ, दैट इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. ये टेस्ट भी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, हमने पढ़ रखा है इसको. व्हेन CO2 गैस इज पास्ड इनटू द स्लेक्ड लाइम इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट. क्या देता है ये? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. तो ये भी एक तरीका हो सकता है सॉल्ट बनाने का. देखिए, मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, सारी रिएक्शंस को तो हम नहीं लिखेंगे, चैप्टर के प्रीवियस वीडियोज़ में आप इन सबको देख सकते हैं. दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हमने वहाँ पर ले रखे हैं. और मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, आपको याद होगा चैप्टर के अंदर बहुत बड़ी इसकी एक्टिविटी भी थी. तो हम एक बार फिर से लिख लेते हैं. मान के चलिए आपने HCl लिया और इसका रिएक्शन कराया मेटल कार्बोनेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट. कोई सा भी मेटल आप ले सकते हो, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, रिजल्ट्स अकॉर्डिंग आ जाएंगे. या फिर आपने ले लिया HCl के साथ
NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। तो देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड, क्योंकि इधर सोडियम का सॉल्ट लिया है आपने रिएक्शन के लिए और सॉल्ट ही बन रहा है नया, इधर भी NaCl ही बनेगा, साथ में CO2 गैस इवॉल्व होती है, साथ में CO2 गैस इवॉल्व होती है और बनता है वाटर। क्या बनता है, वाटर बनता है, करेक्ट। तो यहां पर आपको पता चलता है कि एक एसिड का मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पर हम सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। यहां पर सोडियम क्लोराइड है, अगर ये पोटेशियम कार्बोनेट होता तो हमको पोटेशियम क्लोराइड मिल जाता, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाता, राइट। नाउ रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, दिस इज द वेरी सिंपल एंड द वेरी फेमस वे टू प्रोड्यूस द सॉल्ट्स, और इसको बहुत अच्छे से हमको समझना है क्योंकि इसी के बेस पर हम एक कैटेगरी भी बनाते हैं सॉल्ट्स की, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पीएच, राइट। वो क्या है उसको समझते हैं, लेकिन पहले एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है, एक एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं, अगर मान के चलो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने लिया और रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है प्रीवियस वीडियोस में। एंड नाउ देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड अलॉन्ग विद द वाटर मॉलिक्यूल, ये अपने आप में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है, लेकिन इस रिएक्शन को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी इसके साथ साथ हमें क्लियर करने होंगे। और इसके साथ ही हम मूव कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्ट्स। नाउ सी, यहां पर मैंने एक टेबल बनाई है छोटी सी, जिसमें इधर मैंने एसिड्स को लिखा हुआ है और यहां पर मैंने बेसिस को लिखा हुआ है। तो एसिड्स और बेसिस को लिखने का पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि इन सब के रिएक्शन करा के कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे और सॉल्ट बनाएंगे। अब देखिए यहां पर हम सॉल्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमने HCl और NaOH को लेकर सॉल्ट बनाना है, तो आपने HCl लिया और इसका रिएक्शन कराया आपने NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा और सॉल्ट बनेगा आपका NaCl प्लस H2O। अब हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा एसिड स्ट्रांग होता है, कौन सा एसिड वीक होता है, कौन सा बेस स्ट्रांग होता है और कौन सा बेस वीक होता है। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में स्लाइड प्रोवाइड करा दूंगा, आप लिख लेना उस चीज़ को। यहाँ इस बात का डिस्कशन करके हमें टाइम खराब नहीं करना है, मैं आपको बेस बता देता हूँ, राइट। सो दिस इज स्ट्रांग एसिड, आपको बता दूँ इसके बारे में तो मुझे लिख ही देना है, ये स्ट्रांग एसिड है और ये स्ट्रांग बेस है, दोनों स्ट्रांग हैं, तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो एब्सोल्युटली न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, एब्सोल्युटली न्यूट्रल होगा। अब इस बेसिस पर चार तरह के सॉल्ट कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, क्या, देखिए समझने की कोशिश करना। आप ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड प्लस वीक बेस। रिजल्ट क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इनसे जो सॉल्ट बनेगा उसमें देखिए एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, तो वो सॉल्ट जो बनेगा वो स्लाइटली एसिडिक होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, किसकी पावर ज्यादा है, बेस की पावर ज्यादा है, तो इससे बनने वाला सॉल्ट जो होगा वो स्लाइटली बेसिक होगा, स्लाइटली बेसिक सॉल्ट होगा। और वीक एसिड वीक बेस दोनों ही वीक हैं, तो इनसे बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो आप चार तरह के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं और तीन तरह के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तीन तरह के रिजल्ट्स कौन कौन से मिल सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, ये तो दोनों एक ही हैं, आपको एसिडिक सॉल्ट भी मिल सकता है और बेसिक सॉल्ट भी मिल सकता है। तो इनके एक एक एग्जांपल मैं आपको लेकर बताऊंगा, जिनसे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, या सॉल्ट किस तरह से डिफरेंट पीएच वैल्यूज को शो कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहां पर हमने हर तरह का एग्जांपल ले लिया है, इसमें HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, एज ए रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट।
NaCl प्लस H2O। यहां देखिए आप, ये एक वीक एसिड है और वो एक वीक बेस है। इसका मतलब आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? न्यूट्रल मिलेगा। और रिजल्ट क्या आया? CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट, और रिजल्ट में आपको क्या मिला? H2O वाटर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। रिजल्टेंट में आपको सॉल्ट मिलेगा NH4Cl प्लस वाटर, और ये अपने आप में एक एसिडिक सॉल्ट होगा क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड का कंपोनेंट है। यहां देखिए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, रिजल्ट क्या मिला? Na2CO3 अलोंग विद वाटर। ये बेस स्ट्रॉन्ग है, ये आपका हो गया वीक एसिड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर जो आपको सॉल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? बेसिक सॉल्ट मिलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, अब पीएच क्या रहेगा इनका? तो इक्वल्स टू 7 रहेगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। यहां पर वैल्यू क्या जाएगी? लेस देन 7। यहां पर क्या जाएगी? मोर देन 7। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ आपने पीएच को डिस्क्राइब कर दिया। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी कम्स फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द आयंस प्रेजेंट। हैव अ लुक नाउ, सी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन आयंस प्रेजेंट। फैमिलीज बनाएंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन आयंस प्रेजेंट। तो अभी आप इस कॉलम को देखिए, जस्ट लुक एट दिस, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, क्या कॉमन है? सोडियम। तो इस सीरीज को आप बोलेंगे सोडियम फैमिली सॉल्ट्स, सोडियम फैमिली सॉल्ट्स। ये सोडियम फैमिली के सॉल्ट्स हैं। लेकिन एक दूसरी सीरीज को चेक करते हैं, अगर आप इस सीरीज को चेक करते हैं इसको, तो देखिए हम सॉल्ट्स के नाम बोलते हैं आपको यही पता चल जाएगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। व्हाट इज कॉमन हियर? सो दिस सीरीज ऑफ सॉल्ट्स इज क्लोराइड सॉल्ट्स। ये कैसे सॉल्ट्स हैं? क्लोराइड सॉल्ट्स हैं। इसी तरह से सल्फेट सॉल्ट्स, नाइट्रेट सॉल्ट्स, पोटेशियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, जो आयन कॉमन उसके अंदर मिल जाए, वेदर इट इज कैटायन और एनायन, उसी तरीके के हम सॉल्ट्स उसको मान लेते हैं। ये लिस्ट आपके सामने मैं रख रहा हूं, देखिए दिस इज ऑल अबाउट दिस सॉल्ट्स। अगर आप सॉल्ट्स की और कैटेगरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया सबसे पहला, उसमें मैंने बताया हुआ है, वो सिलेबस में नहीं है, आप याद भी नहीं करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपन को याद करने हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्ट्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगले वीडियोज आपके काम आएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।